नए वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। दोस्तों अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स कर लिया है एंड आपको जॉब नहीं मिला है, दोस्तों अभी भी आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी कंपनी में जाने का। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सनर्जी मैरीटाइम की। दोस्तों सनर्जी मैरीटाइम एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि हर कैंडिडेट्स हर सीफरर्स का ड्रीम होता है उसमें जाने का। तो दोस्तों सनर्जी मैरीटाइम का दोस्तों फॉर्म आउट हो गया है एंड उसका दोस्तों एग्जाम डेट भी फिक्स हो गया है 6 अक्टूबर का। तो दोस्तों अभी भी आपके पास अराउंड 55 डेज है दोस्तों। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस एंड अच्छे से पढ़ाई करोगे दोस्तों तो आप इसको इजीली दोस्तों क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैं अभी 10 मार्च 2024 में दोस्तों मैं अपना एग्ज़ाम दिया। तो दोस्तों किसके क्या कारण है जिससे कि मेरा नाम मैं दोस्तों सेलेक्ट नहीं हुआ, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं यही बताऊँगा। तो दोस्तों मेरे दो कारण थे दोस्तों पहला ये था कि दोस्तों मुझे पता नहीं था क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। एंड सेकंड कारण दोस्तों ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था। तो दोस्तों आपको पढ़ना क्या है आज की वीडियो में दोस्तों यही बताएंगे। तो दोस्तों जब हम इस सनर्जी मैरीटाइम के दोस्तों जब इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इसको मतलब ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी। दोस्तों एक कैटेगरी में आपका आ जाता है जीएसके एंड एमईके, जो कि आपने जीपी रेटिंग के दौरान अच्छे से दोस्तों पढ़ाई की है। एंड बी कैटेगरी में दोस्तों आता है आपका मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश। दोस्तों इसको भी आपने पढ़ा ही होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा, अपने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी किया होगा, तो आपको दोस्तों ये भी आता है। बट दोस्तों आपका ज़रूरत है एक प्रैक्टिस की दोस्तों अगर आप मैथ रीजनिंग इंग्लिश दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस करते हो एंड जीएसके एंड एमईके एक बार फिर से रिवाइज करोगे दोस्तों आप एग्ज़ाम को दोस्तों आप इजीली क्रैक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, एंड दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पे बनाऊंगा मेरे एग्ज़ाम में किस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों इस टॉपिक पे दोस्तों बनाऊंगा वीडियो, जिससे कि आप दोस्तों एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सको। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।